नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ साहेब अली, हमारे साथ अमित हैं और आज हम बात करने के लिए आपके सामने इसलिए आए हैं क्योंकि एक आदेश जारी हो गया है परिवहन मुख्यालय की तरफ से। ये आदेश पुलिस वालों को और खास करके प्रशासनिक अधिकारियों को बहुत भारी पड़ेगा। क्या है अमित आदेश? देखिए, बिहार परिवहन पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है कि जो पुलिस वाले बिना हेलमेट पहन के बाइक चलाते हुए पकड़े जाते हैं या फिर बिना सीट बेल्ट लगाए कार ड्राइव करते हैं तो उनकी सैलरी से दो गुना जुर्माना वसूला जाएगा। ये उनको अपनी सैलरी से देना होगा। इस आदेश की कॉपी हमारे पास है और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि भाई ये जुर्माने के लिए डिपार्टमेंट जिम्मेवार नहीं होगा, आप खुद जिम्मेवार होंगे और इसकी राशि जो है आपकी सैलरी से काटी जाएगी। अच्छा अमित, एक बात हमको समझाइए दर्शकों को, ये जो दो गुने की बात जो आ रही है, मतलब जो पब्लिक के लिए जुर्माना है उसका दो गुना? हाँ, अगर जैसे बाइक हम चला रहे हैं और हेलमेट नहीं पहने हुए हैं तो 1,000 रुपये का जुर्माना जो हम भरेंगे उसके जगह पर अगर कोई पुलिस वाला पकड़ा जाता है, पुलिस अधिकारी हो या कोई जवान हो या कोई सब इंस्पेक्टर ASI हो तो इन्हें दो गुना भरना पड़ेगा, यानी कि 1,000 की जगह पर इन्हें 2,000 रुपया बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर भरना पड़ेगा। बिल्कुल, तो पुलिस वाले अगर नियम तोड़ते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं डबल एक्शन होगा। डबल एक्शन का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मैं पकड़ा जाता हूँ तो अगर 1,000 रुपये जुर्माना मुझ पर होता है तो अगर पुलिस वाला पकड़ा जाता है तो उस पर 2,000 रुपये का जुर्माना होगा, सीधे डबल जुर्माना होगा। अमित, आप आदेश की कॉपी एक बार दिखाइए दर्शकों को। थोड़ी साफ नहीं है लेकिन ये आदेश की कॉपी है, आप स्क्रीन पर जरूर देखेंगे, स्क्रीन पर हम दिखाएंगे आपको। और ये जो आदेश जारी किया गया है पुलिस परिवहन मुख्यालय के DSP हैं, उन्होंने ये आदेश जारी किया है और इसकी कॉपी सारे डिपार्टमेंट को भेजी गई है। जो पुलिस महकमे में जो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं सबको भेज दी गई है, सभी के मुखियाओं को बता दिया गया है कि इस आदेश से वाकिफ करा दिया गया है। अब ये आदेश जो है 9 सितंबर को यानी कि परसों जारी किया गया है और अब इस पर जिस तरह से पब्लिक के साथ कठोर कार्रवाई हो रही है, पब्लिक को देख जो आम आदमी है जो बिना अगर हेलमेट के बाइक चला रहा है और बिना सीट बेल्ट के गाड़ी फोर व्हीलर में बैठा है तो उसे देखते ही पुलिस वाले टूट पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अपराधी है वो, और यही वजह है कि इन दोनों पुलिस और पब्लिक के बीच में एक खाई सी बन गई है। बहुत कुछ देखने को मिला इस दौरान, जब से 1 सितंबर से लेके अब तक में रोड पर आप कहीं भी निकल जाएं तो बहुत कहीं ना कहीं झगड़ा, जहां भी चेकिंग चल रही हो वहां पे झगड़ा, लाठी डंडा बहुत कुछ चला है। तो अब पुलिस वालों को भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो जाँच टीम जो होती है उन्हें सख्ती से निपटना होगा। जिस तरह से वो सख्ती पब्लिक के साथ बरत रहे हैं उसी तरह से पुलिस कर्मियों के साथ भी बरतें। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पब्लिक के लिए कार्रवाई हो रही है अब वो कार्रवाई पुलिस के लिए भी तो हो ही रही थी लेकिन अब डबल कार्रवाई होगी। डबल कार्रवाई का आदेश आपको अमित ने दिखा दिया, आपने स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पब्लिक को ये ज़रूर समझ में आ जाए कि सिर्फ हम ही नहीं है जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, अब तो पुलिस वालों के ऊपर डबल एक्शन हो रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट दे रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें और विस्तार से खबरों के लिए livecities.in पर जाएँ। धन्यवाद।